प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। नेशनल हेराल्ड केस में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची। उधर ईडी की इस कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से संसद तक जमकर हंगामा किया, जहां कांग्रेसी सांसदों ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और महिला विंग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। इसके बाद राहुल गांधी सांसदों के साथ विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कई सांसदों को हिरासत में लिया। बता दें, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ 3 घंटे तक चली। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, जहां ये पूछताछ रुकी। उसके बाद अब एक बार फिर से ये पूछताछ जारी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है, सोनिया से राउंड 2 की पूछताछ के लिए सोनिया पहुंची है आज ईडी दफ्तर। उसके बाहर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया, इसका कांग्रेस का सत्याग्रह देखने को मिला है। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस के कई सांसदों कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ। अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। ये तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है। ध्यान रखिए कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो, और इसमें तो आप क्या कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है जो विपक्ष में है, उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं, कौन डर रहा है पूछताछ से। केस में कुछ दम नहीं है, और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। तो आपने देखा, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, कांग्रेस से ड्रामा कर रहा है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, दूसरे राउंड की आज ईडी की पूछताछ हुई, जहां सोनिया गांधी पूछताछ के लिए पहुंची हैं, जहां एक तरफ सोनिया गांधी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही है पूछताछ में, तो वहीं कांग्रेस अपना विरोध जता रही है, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आज दूसरी मर्तबा प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में बुलाया गया है। आपको बताया कि पहले राउंड की पूछताछ हो गई है, जिसमें लगभग 30 सवाल उनसे पूछे गए। 11 बजे से 1:30 बजे तक पूछताछ की गई। उसके बाद फिर से जो सेकेंड लंच के बाद दूसरी जो दौर है, उसकी पूछताछ की शुरुआत कर दी गई है। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पे हैं। वहीं आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, तो राजधानी लखनऊ के प्रदेश जो कार्यालय है, उससे आज जो वहां के पदाधिकारी थे, उन्होंने ये वहां एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा था उनके द्वारा, जिसको लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनका साफ तौर पर ये आरोप है कि जो केंद्र सरकार है, वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
वहीं आपको बताएं कि आराधना मिश्रा मोना समेत नसीमुद्दीन सिद्दीकी ऐसे तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में आपके विजय चौक से लेकर और ईडी के जो दफ्तर है और राजघाट समेत तमाम जगहों पर पदयात्रा के कार्यक्रम रखे गए थे। उसमें देश भर के तमाम सांसद और कांग्रेस की जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके आने की बात कही गई थी, वो सब आए हुए थे। और वहीं आपको बताएं कि ये सभी नेता राजघाट जा रहे थे, जहां वो कह रहे इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक जन सत्याग्रह है और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो तमाम जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके और जो प्रबल विपक्षी दल है उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। वहीं आपने देखा कि इस मामले को लेकर जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आज हिरासत में लिया गया है, साथ ही 50 सांसदों को भी हिरासत में लिया गया है और प्रशासन उन्हें हटाकर एक अज्ञात जगह ले गया है। वहीं आपको बताएं कि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। लगभग सुबह की बात की जाए तो पहले दौर में 30 सवाल पूछे गए, उनके द्वारा दिए गए जवाबों के जो उनसे जवाब मिल रहे थे उनसे सवाल बनाकर फिर उनसे सवाल किए जा रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो राहुल गांधी से लगभग 80 घंटे की और 5 दिनों में पूछताछ जो की गई उसमें सोनिया गांधी को दूसरी मर्तबा बुलाया गया है। इन दोनों नेताओं के बयानों को एक पास रखकर और आपस में मिलाकर और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं आपको बताएं शिखा कि ये मामला 2012 में बीजेपी के 5 वार्ड नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जो ईडी है वो 2014 में इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी, जिसमें आपको बताएं कि जो यंग इंडिया है उससे और साथ ही साथ AJL दोनों के जो शेयर हैं इसके बंदरबांट को लेकर और साथ ही साथ जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इन नेशनल हेराल्ड जो आगे चलकर यंग इंडिया बन गया इसमें 76% हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल पूछी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की पूछताछ के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के लोग इसे अपनी छवि धूमिल की बात कर रहे हैं और जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में क्या होगा। जी सिखा विभांशु, क्या लगता है आज कितने बजे तक ये पूछताछ का दौर जारी रहेगा, क्योंकि लंच के बाद एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है सोनिया गांधी से? जी, इसको अगर बात की जाए तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे बात की जाए अंजय मकान की, चाहे बात की जाए मल्लिका अर्जुन खड़गे की, तो ये तमाम जो नेता हैं उनका साफ तौर पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जो कि एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ अगर देखें तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल करने का ये काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो 3 घंटे की आज पूछताछ हो गई है, जिसमें 11 बजे से और आपके 1:30 बजे तक पूछताछ की गई है। अब दूसरे दौर की पूछताछ की शुरुआत हुई है, इसमें तमाम सवाल जो पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा है जो तमाम सवाल जो सुबह पूछे गए हैं उसमें प्रमुख सवालों की अगर बात करें तो उसमें एक सवाल पूछा गया कि आपकी जो 76% हिस्सेदारी है उसके मायने क्या है। वहीं जिसमें इसमें बात की जा रही है कि जब 2008 में आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2000 करोड़ रुपए की जो फाइनेंशियली सपोर्ट की गई इस अखबार को, नेशनल हेराल्ड यानी कि यंग इंडिया जो आगे चल के बना, इसमें आपका क्या योगदान है, साथ ही साथ इसके कौन कौन मालिक हैं, इसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। अब जब दूसरे दौर की पूछताछ हो जाएगी तो इसके बाद ये साफ होगा मीडिया ब्रीफिंग में कि क्या सवाल किए गए और उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया। जी विवांशु, आने वाले समय में चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ये बात लगातार विपक्षी दल कह रहा है कि जो ये पार्टी, जो ये ईडी है और CBI है, इन सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो क्या इसको इस तरीके से देखा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि कहीं ना कहीं उनको इन सब चीजों में, जांच में, सवाल जवाब में फंसा कर कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है वो एक बार फिर अगले चुनाव की तैयारी में व्यस्त है और दूसरे पक्ष को भटकाने की कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल सिखा, मैं आपको बताऊं कि प्राइम टीवी टीम ने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं साथ ही साथ पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात की, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव है, साथ ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पूरे ने जो एजेंसियां हैं उसको दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी का छवि धूमिल कर रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है और उनकी तरफ से बताया गया कि देश के अंदर में जो
संविधान है उसमें ये अधिकार है सबका कि अगर किसी मामले को लेकर आपको विरोध करना है तो आप सड़कों पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर उनको दलील दी गई कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह का पद यात्रा या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो पुलिस को लगाकर इसे रोकथाम किया जाता है। साथ ही जो नेता हैं जिनके अगुवाई में ये पूरे कार्यक्रम रखे जाते हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो उनका साफ बड़ा आरोप लगाया है सरकार पे कि जो संविधान है उसके नैतिक मूल्य है उसका हनन किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, तो इसके अंदर में जो धरना प्रदर्शन है और तमाम ऐसी चीजें होती हैं उस पर रोकथाम होता है, मगर जो कांग्रेसी नेता है चाहे बात की जाए केंद्र की चाहे बात की जाए प्रदेश की, तो इनका साफ तौर पर आरोप है कि जो भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिखा की आज की पूछताछ के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग आती है तो क्या सवाल निकलते हैं। वहीं आपको बताएं कि जब राहुल गांधी को आज प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि एक राजा के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके फरमान जो नेता हैं और अफसर हैं वो ऐसे मानते हैं कि मानो कि एक राजा का दिया फरमान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। रुक करते अगली खबर का। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें कि ललितपुर जेल के विस्तार का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, साथ ही 180 कैदी की क्षमता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा परिवहन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है और परिवहन विभाग के प्रस्ताव से लोगों को बड़ी राहत भी मिली है, जहां NCR में गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके ऊपर आज मंजूरी लगी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को सुविधा दी जाती थी, 1100 रुपए की जो सहायता राशि दी जाती थी उसको 100 रुपए बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। बच्चों की स्कूल ड्रेस के लिए ये पैसे की बढ़ाया गया है, साथ ही साथ स्कूल ड्रेस में जो चीजें बताई गई हैं उसमें यूनिफॉर्म के साथ साथ दो मोजे, उनका बैग, तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार आजादी के दिन पूरे सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत भी कई योजना को लेकर प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, इसमें कई ऐसे प्रस्ताव थे जिसमें मंजूरी दी गई है, कौन कौन से वो प्रस्ताव रहे? नाथ और उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और उसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के दौरान आज कई सारे प्रस्ताव जो थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखे गए थे, कैबिनेट के समक्ष रखे गए थे। उनमें से 9 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगाई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और इन 9 प्रस्तावों में अगर हम बताएं आपको तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैबिनेट है उसके निर्माण की बात कही गई है। ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये बोला गया है कि आने वाले दिनों में जो ग्राम सचिवालय हैं उन्हें हाईटेक किया जाएगा, और इसी की तर्ज पर बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी जी। इसके अलावा ये तो बात हो गई ग्राम की, लेकिन इसी में एक और अहम चीज़ ये है कि ललितपुर में एक बड़ा तोहफा अगर बोला जाए तो ललितपुर को मिला है, और कहीं ना कहीं जो जो जेल विभाग है उत्तर प्रदेश का उसके लिए एक दूसरा विस्तार के लिए एक नई जगह मिली है, क्योंकि ललितपुर में एक नई जेल के निर्माण का जो प्रस्ताव था वो भी आज कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति जताते हुए मुहर लगाई है। तो ये एक दूसरा जो अहम जो फैसला था वो लिया गया है। इसके अलावा अगर बताया जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए भी सरकार ने काफ़ी अहम जो फैसला है वो आज लिया है, क्योंकि लगातार इस सवाल को अभी पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी पूछा गया था, अखिलेश यादव ने खुद इस सवाल को पूछा था कि जो बच्चों को 1100 रुपये मिलते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रों को
जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं या प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से जो 1100 रुपया मिलता है उसमें वो यूनिफॉर्म लें, स्कूल के जो स्कूल की किट्स होती हैं वो उनको खरीदें, स्कूल बैग खरीदें, बाकी चीज़ें खरीदें, तो ये पूरा नहीं पढ़ सकता है। तो इसको एक नए प्रारूप में पेश किया है सरकार की तरफ से इस कैबिनेट के दौरान, और ये बताया गया है कि जो पहले 1100 रुपये मिलता था उसमें 100 रुपये बढ़ा करके अब इसे 1200 रुपये सीधे DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजा जाएगा, उनके अभिभावकों के खाते में भेजा जाएगा। और इसके अलावा बच्चों को जो उनकी स्कूल की किट है जिसमें स्कूल बैग है, किताबें हैं, जूता मोजा है, ड्रेस है, पेंसिल रबड़ शार्पनर है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी सरकार की तरफ से जो है मुहैया कराई जाएंगी। तो ये एक अहम फैसला जो है वो भी सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा जो NCR के जो क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको आवागमन के लिए हर बार रोड टैक्स देना पड़ता था जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ये प्रमुख वो राज्य थे जहाँ से जब वो आवागमन करते थे, NCR में आते थे या NCR से जाते थे, तो उन्हें कंटिन्यू जो रोड टैक्स है वो रोज देना पड़ता था। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हम एक नया प्रस्ताव ला रहे थे, उस पर हमने चारों राज्यों के जो सरकारें हैं उनसे चर्चा की, विचार विमर्श किया और वो मान गए हैं। तो अब ये बताया गया है कि NCR के क्षेत्र में जो इन चारों राज्यों से आए दिन गुजरेगा अपने काम के सिलसिले में या किसी अन्य सिलसिले में, उनसे किसी प्रकार का जो रोड टैक्स है वो नहीं लिया जाएगा। तो इससे भी एक बड़ा जो लाभ है वो NCR क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको मिला है। तो ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे जो प्रस्ताव थे वो पेश किए गए थे जिनका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इसे पास किया गया है। जी नितिन, हर घर तिरंगा अभियान भी इस बार चलाया जा रहा है और MSME का जिक्र भी किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, MSME की सेक्टर की बात एक बार फिर से आज की इस कैबिनेट बैठक के दौरान हुआ है, क्योंकि मामला ये है कि 15 अगस्त से पहले एक हफ्ते का जो हर घर तिरंगा अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, सरकार ने कहा है कि करीब 4.5 करोड़ तिरंगे जो है वो हमारी तरफ से लगाने का जो लक्ष्य है इस बार हर घर तिरंगा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं, तो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आज़ादी हमें कितनी मेहनत से मिली है और उसका हमें कैसे सम्मान करना है। 75 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक जश्न के तौर पर अमृत महोत्सव के रूप में हम एक लंबे समय से मनाते भी आ रहे हैं। इस बार 4.5 करोड़ तिरंगों को घर घर पे लगाने का जो लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से लिया गया है, और बताया जा रहा है कि इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे तिरंगे होंगे देश के जो अलग अलग लोगों को दिए जाएंगे या फिर उनके घरों पर लहराए जाएंगे। वो तिरंगे जो है वो MSME सेक्टर में जिन लोगों ने काम किया है या जो लोग इस विधा से जुड़े हुए हैं उनसे लिया जाएगा, ताकि MSME सेक्टर को भी बढ़ावा मिले उस विधा में या फिर उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का व्यापार भी अच्छा से हो सके, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तिरंगा यात्रा या फिर जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है उसको जो हम बढ़ावा दे रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत उनका लाभ भी उनको मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक मोहम्मद आसम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार का दिन भी उनके लिए मुश्किलों भरा रहा। रामपुर के MPMLA कोर्ट में जहां उन पर 10 मामलों में आरोप तय किए गए, वहीं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में की गई FIR रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्पेशल लीव एप्लीकेशन SLP में उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दी है। इसके बाद जब मीडिया ने आजम खान से पूछा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आपको झटका लगा है, तो उन पर उन्होंने कहा कि किसने कह दिया कि हमको झटका लगा है, आपका मन जो कहता है। हमने उनसे 2 रिलीफ मांग की थी और एक मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्य रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने ये मांग की थी कि ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र है और ना ही 2 पासपोर्ट है, नहीं 2 पैन कार्ड है। तो इस तरीके का बयान सामने आया है जहां उन्होंने साफ कहा है कि उनके बेटे के ना 2 जन्म प्रमाण पत्र है, ना 2 पासपोर्ट है, ना 2 पैन कार्ड है।
और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, राहत की बात कही गई थी, राहत के लिए पिटीशन डाली गई थी, लेकिन सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, उसे खारिज कर दिया है, जिसके बाद ये बयान सामने आया है आजम खान का। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या दो पैन कार्ड नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ भैया, सीधे तौर पे विभांशु, आजम खान ने बयान दिया है क्योंकि उनको राहत नहीं मिली, और राहत ना मिलने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि हमने एसएलपी डाली थी, मिनिमम और मध्य दो रिलीफ की मांग करी थी, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने सीधा इनकार किया है कि उनके बेटे के ना ही दो जन्म प्रमाण पत्र है, दो पासपोर्ट भी नहीं है और दो पैन कार्ड भी नहीं है, सीधे तौर पर इसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं। विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी शिखा जी। विभांशु, जिस तरह से आजम खान का बयान सामने आया, इसे किस तरह से देखते हैं? जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां उन्हें तमाम केसों में अभी रिलीज मिला है और वे जेल से बाहर आए हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि अदालत ने जो अब्दुल्ला आजम के दो जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट थे, इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी उसको रद्द किया है, और साथ ही साथ इसको चुनौती देने के लिए बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान जो जस्टिस हैं हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में दखल देने की वजह नहीं दिख रही है, ट्रायल में सबूतों के आधार पर यह आगे की सुनवाई बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि 468-420 के तहत ये मामला चार्ज किया गया था। वहीं आपको बताएं कि अब्दुल्ला आजम जो कि 1993 की डेट ऑफ बर्थ पे, वो अपने जो तमाम फाइल होते हैं, तमाम दस्तावेज होते हैं, उसमें 1993 का डेट ऑफ बर्थ लगाए थे। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के एक नेता के तरफ से 2019 में गंज थाने में इसकी सूचना दी गई थी कि फर्जी तरीके से दो डेट ऑफ बर्थ अब्दुल्ला आजम के पास हैं। वहीं आपको बताएं कि इसकी जांच की जा रही है और जिसको लेकर अब आगे सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभाजु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। आज 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन साल 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा किया था। बता दें, वाराणसी में 39 GTC बटालियन कैंपस में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। तो देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1999 में हासिल की गई जीत
को एक बार फिर से याद किया जा रहा है, उस गौरवान्वित पल को याद किया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आफताब, वाराणसी में आज कारगिल दिवस किस तरह से मनाया गया? बता दें कि 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना के पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और ऑपरेशन विजय के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौक के ऊपर कब्जा कर लिया था। वाराणसी में 39 GTC बटालियन कैंप्स के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। 1999 के कारगिल युद्ध में बनारस के दो लाल अलीम अली खान और अजय कुमार सिंह ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान को के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। कारगिल युद्ध में अलीम अली खान को कुल 8 गोलियां लगी थी और अजय कुमार को 4 गोलियां लगी थी। इसके बावजूद भी यह दोनों जाबाज सैनिक अपने दुश्मनों से लड़ते हुए तिरंगा लहरा दिया था। अलीम अली खान बताते हैं कि 8 गोली लगने के बाद वह बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें अपने शहीद साथियों के साथ के डेड बॉडी के साथ पहाड़ी से नीचे उतारा गया। मेडिकल के दौरान उन्हें शरीर का कुछ अंग हरकत में देख डॉक्टरों ने उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ होते हुए लखनऊ भेजा, जहां 3 महीने तक उपचार कराया। उपचार कराने के बाद 2001 में अपंगता के आधार पर उन्हें पेंशन पर भेज दिया गया। सिखाई जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफताब आलम जुड़े थे। तो आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे और जो सैनिकों ने जिस तरह से विजय प्राप्त करी थी, उन सभी को याद किया जा रहा है और आज गर्व महसूस किया जा रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।